हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है। बहुत टाइम से काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक पर आप कुछ बोलिए, क्योंकि आप जनरली ब्लैक मैजिक को इग्नोर करती हैं, आप हमेशा वाइट मैजिक को, क्योंकि आप देखेंगे मैंने ज़्यादातर वीडियोज़ वाइट मैजिक पर बनाए हैं, स्पेल्स हों चाहे मेडिटेशन हो। तो आप में से कई लोग चाहते थे कि मैं ब्लैक मैजिक के बारे में भी कुछ बोलूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्लैक मैजिक मीन्स काला जादू होता क्या है, कैसे साइंस होते हैं, कैसे आपको पता चले कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी रेमेडीज़ क्या है, ज़्यादातर लोगों का फोकस रेमेडीज़ पर है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जो हम ईज़िली कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। ये एक सुपरनैचुरल, डेफिनेटली ये सुपरनैचुरल एक्टिविटी है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काला जादू करवा दिया जाता है। क्यों करवाया जाता है? देखिए, ऑफ़ कोर्स किसी को आपसे फ़ायदा है, किसी को आपसे जलन है, किसी की आपसे दुश्मनी है, तो लोग ऐसा कार्य करवा देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि काला जादू या ब्लैक मैजिक हर किसी पर काम नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? अगर आप भगवान की भक्ति में लीन हैं, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, आपके घर वाले बहुत सात्विक हैं, आप भगवान का पाठ करते हैं, आप भगवान को दिया दुबत्ती करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, आपकी भगवान पर सच्ची आस्था है, तो ये जो भी सब चीज़ें हैं ना, ये सब आप लोगों पर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगी, करेंगी ही नहीं, जल्दी की बात ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करेंगी। ये ज़्यादातर उन लोगों पर रिएक्ट करती है जो दिल से कमज़ोर होते हैं, मन से कमज़ोर होते हैं, या जिनका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, या जिनका शनि बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं, उनके मन कमज़ोर होने से, सात्विक न होने से, उनके घर में गंदगी होने से, या उनके शरीर में गंदगी होने से, या बहुत ज़्यादा भय होने से, क्योंकि हो सकता है कि बहुत फियर रहता हो, तो ऐसे लोगों पर ये चीज़ें बहुत जल्दी काम करती हैं, ठीक है। अब कई बार ये होता है कि कैसे पता चले कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कराया गया है, तो इसके बहुत सारे साइंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो नज़र लगना, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब आपके ऊपर कराई जाती हैं ना, या आपको नज़र लग गई है, या आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कराया है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सबसे पहला साइन ये है कि आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। आपका मन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप बिल्कुल आलस वाली लाइफ आप जीने लगेंगे, ये काम नहीं करना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, टालने वाली बातें। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, हो सकता है आपके घर के माहौल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, घर में बहुत लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, भाई भाई में ना पटे, बाप और बेटे में ना पटे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगना, रिलेशनशिप्स पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगना, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको सबसे पहले देखने मिलेंगी। बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ख़राब हो जाएंगे, स्लीपिंग इश्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। सर में हमेशा आपके एक भयंकर दर्द बना रहेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सर पर ही कोई एनर्जी आकर बैठ गई है, ठीक है। डरावने सपने आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, शरीर पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी तरह के दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं, कई बार आपको कंपन फील होगी, रात को सोते टाइम कोई गला दबा रहा है, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसे घरों में जहाँ पर ब्लैक मैजिक कराया जाता है, वहाँ पर अंदर घुसते ही बहुत तेज़ एक बैड स्मेल आपको फील होगी, हो सकता है आपको ना भी हो, बट अगर कोई बाहरी कोई पर्सन आपके घर में एंटर करेगा तो उसको चीज़ें पता चल जाएंगी, उसको एक अजीब अंधकार सा, उस घर का माहौल ही अजीब हो जाता है। आप देखेंगे, आप बहुत सारे घरों में उस घर को पहचान लेंगे जहाँ पर थोड़ा भी बुरा साया हो, ठीक है। जनरली अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप पॉजिटिव सोल हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप ऐसे लोगों का ऑरा से ही पहचान जाएंगे कि इनके ऊपर डेफिनेटली किसी तरह का साया है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी के ऊपर ये चीज़ें कराई गई हैं। क्यों कराई गई हैं? डेफिनेटली टू ट्रबल, आपको परेशान करने के लिए। देखिए, अगर कोई काला जादू कराता है तो जो करता है उसकी तो भोगाई है ही,
जो करवाता है उसकी भी भुगाई है। और होता क्या है जनरली कि जब पता चलता है ना, जैसे अब किसी ने आपके ऊपर काला जादू करा दिया, ठीक है, अब आपकी फैमिली परेशान हो रही है, कुछ ना कुछ सामान ख़राब हो रहा है, रोज़ कहीं ना कहीं खर्चे आ जा रहे हैं, आधा से ज़्यादा पैसा आपका दवा दर्पण में जा रहा है, तो सामने वाला घबरा जाता है कि अरे यार मेरे घर को ऐसा किसकी नज़र लग गई कि सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कोई स्वस्थ नहीं है, सबका मुंह उतरा हुआ है, सब अपने आप जैसे किसी के शरीर में खून ही नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो काला साया है ना, ये डेफिनेटली खून भी सोखते हैं ये, ठीक है, आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको ड्रेन करने लगते हैं, तो वो परिवार अलग ही समझ में आने लगता है। तो ये क्यों होता है? ऑफकोर्स दुश्मनी वश, अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी है या आपसे उनको कुछ हासिल करना है, ठीक है, या आपसे उनको जेलिसी है कि अरे ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गई या बढ़ गया, ठीक है, तो इसको खींचो नीचे, इसको परेशान करो, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, द्वेष भावनाएँ, इन सब वजहों से लोग करवाते हैं, ठीक है, परेशान करने के लिए। लेकिन जो करवाते हैं उनको अगर ये लगता है कि वो बचे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, जो करता है जो करवाता है उनकी भुगाई तो बहुत भयंकर होती है, ठीक है, उनको तो सब भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो तीन तरह के विद्याएं होती हैं, देखिए, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, ठीक है। तो मंत्र विद्या, यंत्र विद्या बहुत शुद्ध मानी जाती है, लेकिन जो तंत्र विद्या है ये तामसिक होती है, ठीक है। इस विद्या का प्रयोग ज़्यादातर गलत कामों में लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि जिन हैं, आत्माएं हैं, ठीक है, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जिनकी जो भूत आप कह सकते हैं, भूत क्या है, अतृप्त आत्माएं, मतलब जो तृप्त नहीं हैं, ठीक है, उनको अभी भी उनकी सेटिस्फैक्शन फुलफ़िल नहीं हुई है, उनको अभी भी कुछ चाहिए, तो उनके पास बॉडी तो है नहीं कि वो ले सकें, तो ऐसी आत्माओं को पकड़ के ऐसे लोगों पर छोड़ देना जिनके पास बॉडी है, तो वो आपके बॉडी में घुस कर अपने काम करेंगे जो उन्हें करना है, ठीक है, जो कार्य उनको सौंपा गया है। अब इस तरह की क्रियाएं बहुत तरह की होती हैं, जैसे मारण क्रिया हो गई, बंधन क्रिया हो गई, उच्चाटन हो गया, ठीक है, मुटकरनी या वशीकरण हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको बता दूं कि इसमें इंसान के ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होता है कि वो मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये होती कैसे है, कई बार देखिए, आपकी फ़ोटो ले लिया, आपके बाल ले लिए, आपका कपड़ा ले लिया, ठीक है, स्पेशली जो कपड़ा आपने पहन के उतारा है जिसमें आपका पसीना लगा हुआ है, ऐसे कपड़े ले लिए, ठीक है, या फिर आपका कुछ हैंकी ले लिया जिससे आपने अपना मुंह पोछा है, ठीक है, या आपने नेल कटर से कहीं नाखून वाखून काटा, आपका कोई दुश्मन बगल में बैठा है, आपका नाखून ही लेके भाग गया, ठीक है, या आपने बाल झाड़ा, कंघी में कुछ बाल लगे हैं, अगर आपका दुश्मन आपके अपने ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर अपने ही होते हैं जिनको आपसे फ़ायदा होता है या जिनको आपसे जेलसी होती है, बाहरी को क्या लेना देना आपसे, तो ज़्यादातर तो अपने क्लोज वन ही होते हैं, तो वो लोग आपका नाखून हो गया, आपके बाल हो गए, कुछ भी जो उनको लगा कि हाँ भैया इससे काम निकल सकता है, वो लेकर अपना सटक लिए और उसके बाद उन्होंने वो क्रियाएँ अपना करवा ली, ठीक है। तो इस तरह की क्रियाएँ होती हैं। अब इसका उपाय क्या है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर अगर इन तरह की कोई भी क्रियाएँ की गई हैं तो आप इससे बचेंगे कैसे। सबसे पहला उपाय मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अपनी सोल को पावरफुल बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सोल पावरफुल है, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक असर कर ही नहीं सकता। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, जैसे हमारे अर्थ प्लैनेट का ऑरा कैसा है कि ऊपर से अगर कोई क्या कहते हैं उसको, जो एस्ट्रॉयड ना, जो भी ऊपर से गिरता है पत्थर, तो वो जब ऊपर से गिरते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वी के ऑरा से टकराने के पहले ही वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और 2012 में धरती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे ही 2021 या 22 में भी निकला था, ठीक है। तो हम लोग तो उस दिन पार्टी भी कर लिए थे कि पता नहीं दूसरे दिन पार्टी वोटी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन होती है। तो आपका जब ऑरा, जो आपके बॉडी के ऊपर ऑरा रहता है, वो ऑरा जब आपका पॉजिटिव होता है तो कोई भी बुरी आत्मा आपको टच नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को सात्विक रखिए, ठीक है, भगवान की भक्ति में लीन रखिए, भगवान पर एकदम अंधा विश्वास होना चाहिए, ठीक है, जैसे आपको अपने माँ बाप पर विश्वास होता है, भगवान पर आपका अंधा विश्वास होना चाहिए, वो हैं तो भैया मेरे को टेंशन ही नहीं है, ठीक है, वही है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला उपाय है। अगर आपका ये उपाय आपने किया तो कोई ब्लैक मैजिक आप पर असर ही नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर किसी पर हो चुका है, किसी का परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पंचमुखी हनुमान का फ़ोटो आप अपने मेन डोर पर लगाइए,
ठीक है। साथ ही साथ तिल के तेल का दीपक, मतलब सीसम सीड्स, तिल के तेल का दीपक आप रोज शाम को जलाइए, एक बार, पांच बार, 11 बार, जितनी बार आप हनुमान चालीसा पढ़ पाएँ ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा नरसिम्हा कवच का पाठ बहुत लाभकारी है, ठीक है, नरसिम्हा कवच का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा रुद्राक्ष पहने, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप रुद्राक्ष पहने, क्योंकि कालों के काल महाकाल का रुद्राक्ष है। आप किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, रुद्राक्ष को वहीं मंदिर में टच करा के शिवलिंग से, वहीं पे आप पंडित जी से बोलेंगे, वो आपको उसी गंगा जल से जलाभिषेक करके, जो शिवलिंग का चरणामृत होता है उससे, उसको धोकर आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, ठीक है। रुद्राक्ष धारण करने वालों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सबसे सरल उपाय है, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे मेरे हाथ में रुद्राक्ष आपको दिखेगा, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूजा कराना चाहें तो रुद्राभिषेक कराइए अपने घर में टाइम टू टाइम, जैसे जो जो मौका हो। देखिए हमारे यहाँ तो इतने त्यौहार हैं कि हम हर त्यौहार पे कोई ना कोई पूजा ज़रूर करवाते हैं। अब जैसे सावन है तो रुद्राभिषेक करा लिया, कभी सत्यनारायण का पाठ करा लिया, कभी आपने अखंड रामायण बैठा लिया, कभी आपने भागवत का कथा करवा लिया। अदरवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें फ़ायदा करता है वो है महाविद्या पूजा। 10 महाविद्या पूजा आप करवा लीजिए आपके घर में, ठीक है। तो आप इन सब सिचुएशन से बच जाएंगे। अब लोग पूछते हैं कि मैम क्या कोई क्रिस्टल भी पहन सकते हैं? देखिए क्रिस्टल पहनने से आजकल, पहली बात तो रियल क्रिस्टल मिलना भी बहुत मुश्किल है, ज़्यादातर तो प्लास्टिक दे दे रहे हैं, 10 दिन में टूट के खाली। फिर भी अगर आप पहनना चाहें तो ईविल आई, जिससे कि नज़र ना लगे, आप उसको धारण कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, ठीक है। रुद्राक्ष आपने पहन लिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप पूजा पाठ कीजिए, अपने आप को सात्विक रखिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक उपाय अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप सेंधा नमक लीजिए, जो पिंक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट जो हम व्रत में खाते हैं, वो रॉक सॉल्ट को अफर्म कीजिए, जैसे आपने मंदिर में टच करा दिया और आपने मुट्ठी में बांध के उसको अफर्म कर दिया कि मैं इस नमक को अपने घर के चारों कोनों में भगवान हनुमान का नाम लेकर फेंक रही हूँ, और कोई भी जो भी बुरी साया है, ब्लैक मैजिक कोई भी करा रहा है तो मेरे घर को वो असर ना करे। और आप हर हफ्ते थोड़ा सा नमक अफर्मेशन करके 3 बार फूंक कर आप अपने घर के चारों कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, ठीक है। हफ्ते भर रहने दीजिए, फिर हफ्ते भर बाद साफ़ सफाई में जैसे ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, आप फिर हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे सिम्बॉल्स भी होते हैं जो मैं आने वाले समय में शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में आपको ज़रूर दूंगी, तो आप वो सिम्बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप दरवाजे के बाहर लटका सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में आप देखेंगे किसी ने नींबू फेंका हुआ है, ठीक है, किसी ने सिंदूर फेंका हुआ है, किसी ने किसी जानवर में कुछ करवर के फेंका हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपके हाथ में रहेगा, पहली बात तो रुद्राक्ष पहनिए, उसके अलावा आप चाहें तो ताबीज़ बनाकर छोटी छोटी आप वो सिंबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि आप दूसरे कास्ट के हैं, दूसरे कल्चर के हैं, आप मंत्र तंत्र ये सब जो भी मैंने अभी बताया आपको, पूजा पाठ ये नहीं कर सकते, तो आप जो सिंबल्स मैं आगे आपके लिए लेकर आऊँगी वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे, ठीक है। तो ये थी गाइज मेरी एक छोटी सी, जो मुझे पता है, जितना नॉलेज मुझे है। बाकी देखिए कई लोग बोलते हैं कि मैम ब्लैक मैजिक के नाम पे हमसे इन्होंने इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, तो आप किसी को पैसे वैसे मत दिया करो, क्योंकि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आपको ये ब्लैक मैजिक वाले नहीं मिलने वाले, ये सब खाली लुटेरे हैं। तो अगर आपको कोई बोलता अरे ये तुम्हारे ऊपर तो ये करा दिया गया, वो करा दिया गया, इतना पैसा दे दो, ये सब नहीं कराना चाहिए। असली जो है ये सब बहुत दुर्लभ हैं, ये लोग मिलना इतना आसान नहीं है, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत किया कीजिए। पूजा पाठ पे विश्वास कीजिए, भगवान का नाम जपिए, किसी भी एक भगवान का चरण पकड़ लीजिए और छोड़िए मत, ठीक। फिर वो आपको ऐसा पकड़ेंगे कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही कहूँगी कि भगवान के चरणों में समर्पित रहिए, कोई भी कष्ट आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। सो हर हर महादेव, जय महाकाल।